वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं ये खाने लगी हूँ मज़ेदार किस्म का रेडिश वाटरमेलन। हा यम्मी। चलो भाई हनू टेढ़े दे अंदर सुटिए। ठंडा ठार दवाना। हा स्कूल से आके ठंडा ठार दवाना लग जाए तो फिर और की चाहिए। इस तरह कांटे में आपने इसको अड़ाना है और अपने मुंह में ठूंस देना है। तो 3:30 हो गए हैं, वाटरमेलन खा के यानी कि दवाना खा के हजम भी कर लिए। तो अब जनाब लंच करने लगे। मैं क्या है इसमें, ये है आलू वाले चावल, मिक्स ग्रीन हर्ब्स की चटनी, और ये इसी चटनी को फिर दही में डाल के एक और चटनी। वाओ जी फ्रेंड्स, अभी मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे अपना बहुत ही कीमती ख़जाना शेयर कर लूं। और वो है टाडा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेजर बॉक्स फॉर मी। ओके, हो सकता है इसके अंदर जो है वो आपके लिए कोई ट्रेजर वगैरह ना हो, लेकिन ये ट्रेजर बॉक्स है। इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर, चले मिल के खोलते हैं। ये क्या है आपको अभी शायद पता चल गया, यकीन में पता चल गया। ये है मेरी ज्वेलरी कलेक्शन जो कि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। अभी ज़रा स्लो मोशन में फेंकती हूँ ऊपर से, आई होप कि कोई टूट ना जाए। सो स्लो मोशन बिगिंस नाउ। वाओ। हाँ जी, तो ये है जनाब मेरा दूसरा क्रेज़। एक क्रेज़ है मेरा बेकिंग का, और बेकिंग एक्सेसरीज़ तो मैं आपसे काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये दूसरा क्रेज़ भी आपसे शेयर किया जाए। और ये है ज्वेलरी। हर तरह की ज्वेलरी नहीं पसंद मुझे, सिर्फ इयररिंग्स पसंद है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको सारी ज़रा दिखाती हूँ। तो व्लॉग को लंबा ना करते हुए, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट। And here is the good part. कैसी लग रही है जनाब? आपको एक एक का विजिट करवाती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी सेल पे लगाई हुई है, और सेल बस इतनी है कि जितने का मैंने ख़रीदा है उससे डबल कीमत पे मैं आपको बेच दूँगी। तो इस सेल को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो ये जनाब, ये झुमका स्टाइल जो बहुत ज़्यादा इन हुआ था, और मैंने ये ख़रीदा था, लेकिन मैंने इतना पहना नहीं, क्योंकि इसको बेशक सीधा पहनो या उल्टा पहनो, ये डिज़ाइन आपका अंदर की तरफ जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा ये जो कलर है। तो पता नहीं क्यों, शायद बनाने वाले से कोई गलती होगी, मुझसे मशवरा नहीं उन्होंने लिया। और सामने ये जनाब खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका, मुझे ये बहुत पसंद आया था, और ये पहनने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, आपके कान दर्द करने लग जाएंगे कुछ ही देर बाद, लेकिन इसको फिर भी मैं पहन लेती हूँ। पहनती मैं उसको भी हूँ, लेकिन वो मुझे ख़ुद इतना खास पहन के पसंद नहीं आया था। तो एक ये है डिज़ाइन, काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन है जनाब ये, तो ये अच्छा है। और ये भी जनाब लंबी लंबी लड़ियों वाला, ये भी अच्छा लगता है सिंपल सा, अगर आपको सूट हो तो ऊपर आपने ये लिया हो क्या पहना हो। और एक ये डिज़ाइन है, ये भी वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी जाता है, और लॉन के सूटों के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये तो आप जानते ही हैं, मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है, चमची और लीमू वाला, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन उन्होंने बनाया। और ये अभी जो मैंने ईद पर लिया है ये वो है। और जनाब ये टोकरी स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद है, ये सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरी दोस्तों ने भी काफ़ी पहना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। और साथ ये कलरफुल, ये तो जनाब हर सूट के साथ जाएगा, हर सूट के साथ। और ये खूबसूरत से टाइनी टाइनी से झुमकियाँ टाइप है, और ये मैंने नहीं ख़रीदा हुआ, ये मामा ने ख़रीदा हुआ है, और चॉइस तो फिर आप देख सकते हैं, मामा की भी अच्छी है, मेरी तो खैर है ही अच्छी। और साथ ये वाला भी डिज़ाइन है, इसको मैंने पहना भी बहुत है, और नहीं इसको मैंने इतना पहना नहीं था, बल्कि एक दो बार पहना था, तो ये पहले से ही कलर ब्लैक हो गया था, लेकिन अभी भी मैं इसको पहन सकती हूँ, बल्कि पहनती भी हूँ कभी कभी जब दिल करे, तो ये ब्लैक होकर भी अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ ख़रीदा करें जो आपको लगता है कि ख़राब होकर भी बुरी नहीं लगेगी, तो ये जनाब ये आप शादियों में पहन सकते हैं।
ये वाला भी शादियों में पहन सकते हैं, और ये मैंने अभी तक नहीं पहना, देख लो शहर, ये मैंने अभी तक नहीं पहना। ये जनाब मैं कब पहनूँ पता नहीं क्यों, मुझे अजीब लगता है कि ये इतने बड़े बड़े, मैं देखेंगे बाद में। और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिए थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे गिफ्ट भी मिले हुए हैं और मैंने खुद भी ख़रीदे हुए हैं, तो इसलिए ये ढेर लग गया, लेकिन अभी भी ये मुझे कम ही लगते हैं। हर कलर के मैं चाहती हूँ मेरे पास हर कलर के एयरिंग्स हों, मुझे एयरिंग्स इंतहाई पसंद है। और ये एक और जनाब मीनारे पाकिस्तान वाला डिज़ाइन आया गया, वहाँ से इम्प्रेस हुए हैं वो, उधर से इंस्पायर्ड है। और ये झुमकियाँ, ये भी गलती से मैंने, ये है था मेरे पास डिज़ाइन और थोड़ा सा चेंज मैंने ये ले लिया, ये गलती से मैंने ले लिया था क्योंकि ये ऑलरेडी है था, बल्कि मैंने नहीं था लिया, ये मामा को मैंने बोला था लेकर आए और वो सेम उसी तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज उठा के लाए। खैर, और ये दिखा दिया मैंने आपको, और ये भी जनाब मेरी फ्रेंड माहम ने मुझे ये गिफ्ट किया था, हर जो है नेकलेस इसका टूट गया हुआ चेन, लेकिन इसके टॉप्स बहुत प्यारे हैं, बल्कि ये पूरा ही बहुत प्यारा सेट है, तो ये मैं अभी तक पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है माहम, एक बार फिर से थैंक यू। और ये वाले भी जनाब टॉप्स छोटे छोटे आप पहन सकते हैं लोन के सूटों के साथ, ये वाला भी, और ये बिंदिया है जो कभी कभी शादी में काम आ जाती है, थैंक यू सहर। और ये पता नहीं मैंने क्यों ले लिया था ये, एक दफ़ा मैंने ये बस शौक चढ़ा था ये मैंने चेन लेनी है, तो एक ही बार पहनी थी मैंने, दोबारा पहनने की तौफीक नहीं की। एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और एक ये फजूल सी चीज़ मैंने ख़रीदी हुई है, बहुत बार मैंने हिम्मत करके इसको पहनना चाहा है लेकिन फिर उतार देती हूँ मैं कि पता नहीं क्यों ओवर लगेगा, लेकिन ओवर लगता नहीं है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा फंदा टाइप है ये। और ये एक ये चेन है जो कि बहुत लंबी है और दो तीन दफ़ा इसको बल डाल के जो पहनते हैं ये वो वाली है, और साथ ये कुछ पेंडेंट्स हैं और ये ब्रेसलेट्स हैं, इसमें से ये वाला भाई ने मुझे दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, ये भी मेरी दोस्त ने दिया है, और ये शहर का है और ये मैंने खुद खरीदा है, और इसमें से सबसे कम मैं यही पहनती हूँ। और ये देखें क्यों कम पहनती हूँ, क्योंकि इसका ये ख़राब हो गया, वह हुक और इसके साथ मुझे ये लगाना पड़ता है, ये मुझे समझ नहीं आती बंदा पहने किधर इसको। खैर, और ये जो है कुछ और टॉप्स, छोटे छोटे टॉप्स, ये देखें ये क्या बना हुआ है, किसको पता चल रहा है कि ये क्या बना हुआ है, फोकस कर दे भाई कैमरे वाले जी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है जनाब मेंढक इंस्पायर्ड बाय फ्रॉग। तो ये कुछ रिंग्स हैं जिसमें से आपको पता है कि मैं ज़्यादातर नहीं पहनती, बहुत मोस्ट फेवरेट रिंग मेरी यही है ब्लैक वाली, और ये देखें ये जो टूट गई थी इसको भी फेंकने का दिल नहीं किया मेरा, ये भी मैंने संभाल के रखी हुई है। तो ये थी जनाब मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, मैं बताना कि मेरी चॉइस अच्छी है या नहीं अच्छी, और आपको कौन सा पसंद आया इसमें वो भी ज़रूर बताना। एक बार फिर से आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ, रिव्यू क्या व्यू दे देती हूँ। हाँ जी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी ख़राब ना हो, मैं ये करती हूँ कि मैं हर एक को इंडिविजुअली ये छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में, जो कि लॉक बैग भी आप इनको कह सकते हैं, इसमें जो है मैं इंडिविजुअल सबको भर के रखती हूँ, तो वो फिर उससे ख़राब नहीं होगी ज्वेलरी आपकी, कलर ख़राब नहीं होगा। इस तरह एक साथ मिक्सअप होकर आप रख देंगे तो फिर किसी एक का भी कुछ नहीं बचेगा। And look at this lovely weather. It's so cool, looking cool. बस ये जो सूरज चाचू नज़र आ रहे हैं ये थोड़ा सा आराम से नीचे चले जाएं, बादलों के पीछे चले जाएं, और ये बादलों को बिल्कुल भी पिघलाएं नहीं आप प्लीज़, थोड़ी सी शर्म कर लें, हम बहुत अरसे से जनाब गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप थोड़ा नीचे चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तू जा रही। और आई होप कि बारिश तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि होगी, हवाई चल जाए ठंडी तो हम उसी में खुश हो जाएंगे भाई, काफ़ी गर्मी हो चुकी है अब। तो अभी मैं ये खाने लगी हूँ, कल का जो केक था थोड़ा सा बचा हुआ है, शायद ये मेरे ही नसीबों में था, तो मैं ये खाऊंगी साथ, जनाब मेरा दिल था मैं कॉफ़ी बना के पीऊँ, लेकिन घर वालों ने दूध ख़त्म कर दिया, इन सेवियों में डाल दिया,
चलो कॉफ़ी ना सही, दूध वालियाँ सेवियाँ ही सही. तो मे बी इट्स गोइंग टू बी माई लास्ट मील ऑफ टुडे. तो अभी जनाब सिर्फ 7:45 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह अपने बिस्तर पे आकर बैठ गई और इधर ही मैंने मर जाना है पूरे 9 बजे. देखिए मैं सोने का टाइम फिक्स होता है, अब जागने का हो या ना हो सोने का टाइम फिक्स है. तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी, शेयर भी लाजमी. ओ कब है.